बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज का जो टॉपिक मैं बनाने वाली हूँ जिसके ऊपर, उसके ऊपर पहले भी मैं एक बार वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो मैं इसी तरह से स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते मुझे फिर से वो चीज दिखी, लेकिन जब मुझे वो चीज दिखी थी ना तो वो कुछ ऐसी दिखती थी और अब जो मुझे चीज दिखी है वो कुछ ऐसी दिखती, तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, अंतर था। तो मुझे लगा कि शायद ये जो दोनों चीज है वो एक दूसरे से काफी अलग होगी, तो मैंने इसको परचेस कर लिया है और ये कुछ ऐसी आई थी। मैंने इसको ओपन करके मैं देख चुकी हूँ और मैंने इसको एक ही ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं दो में क्यों आई, समझ में नहीं आया। ऐसे गुड लक हमेशा मेरे साथ क्यों होते पहली बार हुआ जबरदस्ती की बढ़ाई मार रहे में मेरे साथ क्यों होते। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि वो चीज क्या है। वैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको बताऊंगी, मतलब कुछ भी सस्ता सा सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ मैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस वायरल सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क की, जो मैंने शायद 7 से 8 महीने पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन उसमें ना वो जो प्रोडक्ट था उसकी जो पैकेजिंग थी वो काफी अलग थी। जो टमाटो केचप, मेयोनीज और सोया सॉस होते हैं ना, वैसी उसकी पैकेजिंग थी इस तरीके की। और अब जो मुझे मिली ना वो ट्यूब फॉर्म में मिली है, तो ये कुछ ऐसी सी आती है। और मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ कि मुझे कितने रुपए की पड़ी है। तो ये जो दोनों चीज है ना वो मुझे 100 रुपए की मिली है। इतनी जादूगर मिराकुलस करिश्मेदार चीज इतने सस्ते पैसे में मुझे कैसे मिल सकती, मैं तो ये सोच रही थी। हल्की फुल्की से जो पैकेजिंग है उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये ट्यूब वर्जन में मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ से पिटा हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तो ये वाली चेक करके देखते हैं, दोनों सेम ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए शायद ये अच्छी निकल गई हो। तो नहीं, ये दोनों ही बहुत ही बुरी पैकेजिंग में आई है, पता नहीं क्यों। पहले भी ये बहुत ज्यादा वायरल थी और अभी भी इसका क्रेज है, पता नहीं क्यों। इसका और वो ग्रीन मास्क स्टिक का वो वीडियो मैंने बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पहले वाले सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क की और ग्रीन स्टिक मास्क की, दोनों वीडियो चेकआउट कर लेना। और अभी भी मुझे यहाँ पे जो आइसक्रीम मास्क लिखा हुआ इसका मतलब समझ में आया ही नहीं है। इसका मतलब है क्या मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। और इस पे कुछ अलग लिखा हुआ है, बिकॉज जो पहले वाला सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क था उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन पोर्स, ब्राइटन स्किन एंड सूदिंग स्किन। कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है पहले की तरह, बस बना के भेज दिया गया है, ये लो जो करना है करो। आपने देखा ना ये लोग किस कदर जादू दिखा रहे, करिश्मा दिखा रहे, चमत्कार ही दिखा दे रहे हैं कि जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है, डैमेज एरिया है, अगर आपकी नोज पे व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड है, भर भर के नॉर्मल भी नहीं हो रहा, अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स है या फिर एक्ने है, पिंपल है, गड्ढे हैं अगर आपके फेस पे, वहां पे भी ये लोग हल्का सा सैलिसिलिक एसिड मास्क लेके लगा रहे हैं और कुछ ही सेकेंड्स में जब उसको वाइप कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन है ऐसी चमक रही है, क्रिस्टल क्लियर बेबी स्किन जैसा मतलब इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं कैसे। मैं तो ऐसी चीजों से दूर रह नहीं सकती जो आपको इंस्टेंटली असर दिखाए। तो सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क, आर यू स्टिल प्रीविंग सफरिंग फ्रॉम एक्ने प्रॉब्लम? हाँ, क्या आपके फेस पे एक्ने है? यूज दिस मास्क टू मेक योर स्किन सॉफ्ट लाइक आइसक्रीम। तो ये इसका फंडा है कि इसको लगाओ और उसके बाद आपकी जो स्किन है सॉफ्ट एज आइसक्रीम बन जाएगी। देखते हैं, पहले मैं लगा लूं फिर मैं जाऊंगी किसी के सामने, आइसक्रीम जैसे दिख रही हूँ ना मैं आपको। जेंटल एंड नॉन इरिटेटिंग, एडजस्ट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड ऑयल, रिमूव एक्ने, रिड्यूस एक्ने मार्क। तो ये आपकी स्किन पे जेंटल रहेगा, नॉन इरिटेटिंग रहेगा और आपके फेस पे पानी और तेल का बैलेंस बना के रखेगा, समझे आप? आपके फेस पे जो भी ड्राइनेस है, रिंकल है, उसको बहुत हद तक रिड्यूस करेगा, ओके? उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन के लिए डीपली क्या करता है। तो ये जो आपके क्लॉग पोर्स होते हैं ना आपके फेस पे, उनको ये अनक्लॉग करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, एक्ने को ट्रीट करता है और आपकी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप में से बहुत से लोगों के ये कमेंट आते हैं कि हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ बताओ, गोरे होने के लिए कुछ बताओ। सबसे पहली बात तो है आप ये गोरा सावरा किया मत करो, बिकॉज जिसका जो स्किन टोन है वो उसमें ही अच्छा दिखता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली अच्छा ग्लोइंग क्रिस्टल ग्लासी दिखाना चाहते हो तो आप कोई ऐसे क्रीम और टोनर चूज करो जिसके अंदर ना सैलिसिलिक एसिड हो, बिकॉज ये आपकी स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा बक 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 हो गई, अब इसको यूज भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। आप में से बहुत ये भी कमेंट करते हो कि बहुत बोलती हो। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कैसी है ये। OMG, ये तो ब्लू कलर की लग रही है अंदर से, है ब्लू कलर की लग रही है ना, निकाल के देखते हैं ये कैसी है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वाटरी वाटरी सी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जेल जैसी है। मुझे ना इसमें प्राइमर वाली फीलिंग आ रही है, जो सस्ते से प्राइमर होते हैं ना जो हमें 50-60 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा है, बता रही हूँ। ये चेक करो आप, स्मेल नाम की तो कोई चीज आई नहीं रही इसके अंदर से, कहीं मेरी नोज ब्लॉक तो नहीं है? नहीं, किसने बोला मेरी नोज ब्लॉक है? हाँ, कुछ भी। तो इसको अप्लाई करने के पहले मुझे अपने फेस को क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे फेस पे मेकअप लगा हुआ है और मेकअप किए हुए फेस पे हम इसको नहीं लगा सकते। आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है?
ओके गाइस, तो मेकअप वाइप हो चुका है और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। एंड मैं इसे सिर्फ अपने इतने ही एरिया में अप्लाई करूंगी बिकॉज मैं अपनी स्किन का ज्यादा लॉस उठा नहीं पाऊंगी अगर कभी कुछ हो गया तो। सो होप फॉर द बेस्ट। वाओ, काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है मुझे। बहुत ही थिक लेयर अप्लाई की है इस आइसक्रीम मास्क की और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वो पुराने वाला सैलिसिलिक एसिड मास्क भी है। मैंने दोनों को एक ही साथ ऑर्डर किया था तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो पहले वाला आइसक्रीम मास्क था वो कैसा दिख रहा था। तो वो कुछ ऐसा था और अभी का जो आइसक्रीम मास्क है वो कुछ ऐसा आया था। दोनों में मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखा और दोनों ही अलग कंपनी के है तो मुझे लगा कि शायद ये अपना काम करे, इसलिए तो नहीं किया था। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर वो बिल्कुल एकदम एलोवेरा जेल कैसा होता है, पैक्ड वाला बिल्कुल वैसे ही है। ये वाला जो आइसक्रीम मास्क है ना, इसमें शाइनिंग है और ये बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है, पता नहीं क्यों फिसलता हुआ। और ये वाला जो आइसक्रीम मास्क है वो बिल्कुल ठोस है, एक जगह लगने के बाद वो हिलता भी नहीं। इसी की वजह से मुझे ये प्राइमर वाली फीलिंग दे रहा है और ये कंटिन्यू नीचे आता चला जा रहा है। जो पहला वाला मास्क है ना, इसमें बहुत ही कड़क स्मेल है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, जैसे कि कुकुम्बर मास्क नहीं होता, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है। और ये बिल्कुल रबर जैसा टाइट टाइट है, इसमें कोई भी स्माइल नहीं है, स्मेल नहीं है। तो मैंने अपने ये न्यू वाला आइसक्रीम मास्क अप्लाई कर लिया है और अब मैं वेट करूंगी पूरा 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर जैसा होता है वो मैं आपको बता दूंगी। देखते हैं कि क्या काम करेगा ये, ठीक है। तो 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी मेरे फेस में से कुछ भी वैसी गंदगी नहीं निकली जैसे कि वीडियो में दिखाई जा रही थी। 15 मिनट्स और वेट करके देखते हैं, शायद जादू हो जाए कुछ। तो पूरा हाफ एन आवर हो चुका है और मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ बिकॉज मैं तो सोच रही थी कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी गंदगी वगैरह नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। बहुत गंदगी है मेरे फेस पे। देखो, पूरा ब्लैक हेड निकल गया अचानक से, व्हाइट हेड्स और जो भी कुछ था पोर में, जो भी मैल गंदगी थी वो सारी की सारी इकट्ठा हो गई है वहां पे। और अब तक तो आप समझ चुके हो कि मैंने अपने फेस पे क्या लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये सोसाइटी की जो चाय पत्ती होती है उसको लगाया है। सब कुछ इफेक्ट और ट्रांजिशन का खेल होता है। सबसे पहली बात तो किसी के फेस में इतनी गंदगी हो ही नहीं सकती, और अगर है भी ना गलती से किसी की तो वो इतने जल्दी निकल ही नहीं सकती कि मतलब 10-15 मिनट में सब कुछ निकल गया। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े स्किन के स्पेशलिस्ट बैठे हुए वो तो अपनी क्लिनिक को बंद करके चले जाएगा, क्या काम है उनका यहाँ पे। तो देखा ना आपने, सब कुछ झूठ है, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई गर्म तवे पे बैठ के भी मुझे बोले ना कि ऐसा होगा तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही था आज का वीडियो इस वायरल सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम मास्क ट्यूब पे। और अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।